दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधा लिए चलते हैं। और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को प्रमाणित और प्रतिबिंबित करता है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात को न सिर्फ स्वीकारा बल्कि अपने संबोधन में उल्लेखित किया कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए लगभग 100 करोड़ का घोटाला किया है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मनीष सिसोदिया ने केस से संबंधित सबूतों को मिटाया है। कोर्ट का एक और ऑब्जर्वेशन कि मनीष सिसोदिया के पास आम आदमी सरकार के चलते इतनी प्रशासनिक और शासकीय ताकत है कि वो केस से संबंधित गवाहों को परेशान कर सकते हैं, गवाहों के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और केस से संबंधित सबूतों को मिटाने के लिए मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर ली। केजरीवाल सरकार के खिलाफ और केजरीवाल सरकार में अरविंद केजरीवाल के साथ इस स्कैम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मनीष सिसोदिया के संदर्भ में कोर्ट का यह जजमेंट अपने आप में गवाही है। जो 100 करोड़ मनीष सिसोदिया ने स्वयं इस स्कैम के माध्यम से पाया उसके लाभार्थी आम आदमी पार्टी में और भी नेता हैं।